कर्ज माफी को चुनावी एजेंडा बनाकर राजस्थान में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो गई। सरकार बनने के कुछ ही दिन में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा भी कर दी गई। लेकिन कर्ज माफी को लेकर सरकार का फैसला जमीनी स्तर पर कहां तक कारगर हुआ, शायद ये पता लगाने की कोशिश नहीं की गई, या फिर ये जानने की जरूरत ही नहीं समझी गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज फिर राजस्थान के किसान ने कर्ज के बोझ तले दब कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये तस्वीर है प्रतापगढ़ के रहने वाले बुजुर्ग किसान अब्दुल गनी की। बसाड़ गांव के रहने वाले अब्दुल गनी ने बैंक से करीब 10 लाख का कर्ज ले रखा था। पाले की वजह से इनकी फसल भी बर्बाद हो गई। घर वालों का कहना है कि वो फसल खराब होने के बाद से ही काफी तनाव में रहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कुएं में फंदा लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। 10-15-20 रोज से वो गुमसुम चल रहे थे, चने वगैरह सब जल गए थे पाला पड़ने से, इसलिए क्या मालूम, कुछ बताया नहीं हमारे को उन्होंने कुछ भी। और सरकार द्वारा जो मदद की गई अभी तक हमारे को उसका कोई लाभ नहीं मिला। कितना कर्जा है आप लोगों को? करीबन 8-10 लाख रुपए। सब खराब होने के कारण दे नहीं पा रहे, इसलिए क्या मालूम क्या उनके दबाव था, उन्होंने आत्महत्या हुए पे जाकर कर। किसान अब्दुल गनी के शव को जब कुएं से बाहर निकाला गया तो एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिससे आत्महत्या की वजह का पता चल सका। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। ऋण अधिक होने से इन्होंने फांसी आत्महत्या की है। इस संबंध में इनके मोबाइल नंबर तथा अन्य बिंदुओं पर जांच करके कार्रवाई जारी है। जब भी पूर्ण पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है, इसमें संबंधित बैंक से रिकॉर्ड लिया जाएगा और भी बिंदुओं पर या फोन पर अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर पूर्ण जांच की जाएगी। राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी कई किसानों ने कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या की थी, लेकिन प्रतापगढ़ में किसान की आत्महत्या का मामला उस वक्त सामने आया जब सरकार किसानों की कर्ज माफी कर रही है। अचानक सामने आए इस मामले से प्रशासन और सरकार सब हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।